हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एकल दिशी स्लैब संबंधित एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे हमने अपने पिछले वीडियो में एकल दिशी स्लैब का अभिकल्पन और अभिकल्पन जो स्टेप्स होते हैं उनको हमने बताया। अगर आप नहीं देखो तो जाके प्लीज़ देख लीजिए, ठीक है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, हमें यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया गया है कि एक प्रबलित सीमेंट कंक्रीट सुधा लंबी स्लैब पर स्लैब का अभिकल्पन कीजिए जो एक बरामदे की छत पर डालनी है, ठीक है। हमें यहाँ पर कहते हैं कि सुधा लंबित स्लैब का अभिकल्पन करना जो एक बरामदे की छत पर डालनी है। तो स्लैब का प्रभावी पार्ट यहाँ से दे दिया हमें, प्रभावी पार्ट कैपिटल एल इज इक्वल टू 4.0 मीटर तथा अधिरोपित भार यहाँ पर देते हैं 6 किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और स्लैब का स्वच्छ रेखा चित्र खींचिए तथा अभिकल्पित प्रबलन की स्थिति दर्शाएं। तो यहाँ से हमें यही दे दिया है क्वेश्चन में, इतना हमें करना है। तो इसके लिए चलिए स्टार्ट करते हैं पहले अपने वीडियो को। तो सर्वप्रथम जी, हमें जो क्वेश्चन में दे दिया गया पहले उसको हम लिख लेते हैं। तो प्रश्नानुसार देखिए, हमें क्वेश्चन में दे दिया गया है स्लैब का पार्ट देखिए हमें दिया गया 4.0 मीटर, ठीक है। इस पर अधिरोपित भार भी हमें दे दिया गया है। अधिरोपित भार बराबर 6000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए, हमने अपने बताया कि पिछले वीडियो में कि इसकी जो हमें चढ़ाई होती है 1000 इसकी मान लेनी होती है। यहाँ से हमने मान लिया बीस गोल्ट हमारा 1000 mm, ठीक है। तथा हमने एक बार और आपको बताया था कि अगर आपके 5000 मतलब न्यूटन तक अगर आप न्यूटन आपका बाहर आ रहा है तो हमें जो इसकी मोटाई स्लैब की मोटाई होती है वो 4 सेंटीमीटर प्रति पार्ट मान लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो देखिए यहाँ से तो माना स्लैब की मोटाई 40 मिलीमीटर प्रति मीटर है, ठीक है। ये हमने फिर पिछले वीडियो में बनाया, जाके वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो यहाँ से हो जाएगा देखिए 40, और चूँकि कितना मीटर है, 4 मीटर हमारा पार्ट है, तो इसमें मल्टीप्लाई करना हो जाएगा 160 mm। तो यहाँ से हमें जो इसी मोटाई में ज्ञात हो जाएगी 160 mm ज्ञात हो जाएगी। तो चलिए मोटाई ज्ञात होगी, यहाँ से हमें चौड़ाई ज्ञात होगी, और जो हमें पार्ट दिया गया इसको हमने ज्ञात कर लिया। फिर हमारा जो सेकंड स्टेप आता है, हमें लोड ज्ञात करना होता है। तो यहाँ से देखिए, तो लोड हमारा जो होता है प्लस स्लैब का जो हमारा अधिरोपित भार होता है प्रति मीटर चौड़ाई पर। तो हमारा जो अधिरोपित भार है अधिरोपित भार वो हमें गिवन है 6000 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये प्रति मीटर ही है। फिर हमें ज्ञात करना होता है स्वयं का भार स्लैब के स्वयं का भार हमारा हो जाएगा 1 × देखिए यहाँ से 1000 है, 1000 को आप चेंज करोगे 1000 mm है, इसको चेंज करोगे आ जाएगा 1 मीटर गुणे 0.16। ये देखिए जो हमारी यहाँ से स्लैब की मोटाई है, स्लैब की मोटाई यहाँ से हो जाएगा फिर 25 है, चूँकि कंक्रीट हमारा 25 है। अगर हमारा ईटा हो तो उसके लिए हम 19200 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका, यहाँ से आ जाएगा आपका 10000 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ से आ गया, हमारे स्वयं का भार आ गया। फिर हमें ज्ञात करना होगा हमारा इसके बाद जो हमारा स्टेप आसा जो हमारा तीसरा स्टेप है उसमें हमें ज्ञात करना होगा अधिकतम बंकन आघूर्ण हमें ज्ञात करना होता है। अधिकतम बंकन आघूर्ण बराबर हमारा फार्मूला होता है m इज इक्वल टू WL² / 8। तो देखिए यहाँ से हमारा जो 8 हमें यहाँ से देखिए हमें जो हमें भार दिया गया है हमें यहाँ से भार यहाँ पूरा टोटल लिख लेंगे। ये देखिए जो यहाँ पर हमारा आएगा, ये आएगा 4000 इन टोटल योग जो होगा हमारा टोटल भार आएगा, ठीक है। सब टोटल का योग जो हमारा भार है वो यहाँ से आएगा 10000। तो यहाँ से हम जो टोटल हमारा W इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 10000 L बराबर हमारा 4 है 4² / 8। यहाँ से आप चेंज करोगे आ जाएगा आपका न्यूटन मीटर, ठीक है। फिर इसको न्यूटन मीटर को आप चेंज कर लीजिए सेंटीमीटर में, तो यहाँ से हो जाएगा 20 ×10⁶ न्यूटन मिलीमीटर। तो देखिए आपके यहाँ से बंकन आपको ज्ञात होगा। फिर हमें ज्ञात करना होता है प्रभावी गहराई। तो हमें गहराई ज्ञात करने के लिए देखिए गहराई ज्ञात करने के लिए हमारा जो होता है फोर स्टेप से हमारा फॉर्मूला होता है √MR/0.64 × b। ये हमने कई बार आपको बताया, जब सिग्मा सी बी बराबर आपका 5 होगा और सिग्मा एस टी बराबर 230 होगा तो आपका यहाँ पर जो फार्मूला होता है MR/Q × b, तो Q बराबर 0.64 हो जाता है, ठीक है। तो देखिए MR का हमने मान ऊपर निकाल लिया है तो वहाँ से हो जाएगा 20 × 10⁶, ठीक है। 20 × 10⁶ / 0.64। यहाँ से देखिए b इक्वल टू है 1000, यहाँ से 1000 आप कर देंगे तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 180 mm।
ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो हमारा डी इक्वल टू वन एच सी, अब यहाँ पर हमने मान लिया कि हमारा 20 mm प्रभावी आवरण है, प्रभावी आवरण, तो हमारा जो कैपिटल डी इक्वल टू हो जाएगा वो हो जाएगा 200 mm। तो देखिए हमने जो ऊपर माना तो हमारे जो गहराई में माना था 160, वो लमसम इनके बराबर ही 180 है, तो हमें फिर से संशोधित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो हमारा जो इसके बाद स्टेप आता है वो पांचवा स्टेप प्रबलन इस्पात। यहाँ से प्रबलन इस्पात में याद करना, प्रबलन इस्पात हमें याद करने के लिए इसका जो फार्मूला होता है ST इक्वल टू MR अपन सिग्मा ST इंटू Z। अब जहाँ Z इक्वल टू 0.91 इंटू D होता है, जब सिग्मा C बराबर 5 और सिग्मा ST बराबर 230 और M इक्वल टू 18। तो देखिए यहाँ से हमें अभी MR बराबर हमें पता है 20/10 के आते 6, सिग्मा ST बराबर 230, यहाँ से Z बराबर 0.91 और D बराबर अभी हमने निकाला है 180। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे आ जाएगा 531 mm² ठीक है। तो यहाँ से 500 स्क्वायर आ गया, तो हमें क्या जब भी किसी इस्पात क्षेत्र पर निकालते हैं तो हमें एक ब्यास मानना होता है। तो मान लीजिए एक 12 mm ब्यास की छड़ प्रयोग करने पर छड़ों का अंतराल तो यहाँ से देखिए हमारा S इक्वल टू फार्मूला होता है 80 इंटू 1000 अपन ST, ठीक है। तो 80 बराबर हमने यहाँ से निकाल लिया 12 mm, तो यहाँ से पाई इंटू 12² / 4 कर देंगे, तो वहाँ से हमारा जो मान आ जाएगा 80 इक्वल टू आ जाएगा 113 यहाँ से हो जाएगा 1000 ST बराबर 531। तो सॉल्व करोगे आ जाएगा आपका 210 mm², ठीक है। यहाँ से आपका आ जाएगा 210 mm². फिर हमें ज्ञात करना होता है हमारा जो इसके बाद वाला स्टेप आता है उसमें हमें ज्ञात करना होता है वितरण इस्पात। तो वितरण इस्पात का हमें जो फार्मूला है वो हमने बताया है, वितरण इस्पात ज्ञात करना होता है। वितरण इस्पात यहाँ से देखिए हमारे छठवां नंबर हो जाएगा। वितरण इस्पात जो हमारा फार्मूला होता है ASD इज इक्वल टू 0.15% इंटू B इंटू कैपिटल D, ठीक है। ये 0.1512 है, 0.12 को देखिए हम यहाँ से सॉल्व यहाँ से करेंगे, तो ये परसेंट 0.12% हो जाएगा बाय 100, बी बराबर यहाँ से हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1200 बराबर हमारा है यहाँ से 1000 और भाई यहाँ से 100 हो गया, जिसको आप चेंज करोगे आ जाएगा आपका 240। तो देखिए बी बराबर यहाँ पर हमने डी बराबर हमने बताया था 1000 और डी बराबर हमारा 200 भी आया यहाँ से, डी बराबर देखिए हमारा 200 और डी बराबर चौड़ाई में माने हमारा 1000 mm होता है, तो वहाँ से बी बराबर मान रख देंगे, तो यहाँ से हमारा ASD फाइंड हो जाएगा। तो ASD इक्वल टू आ जा रहा है इतना mm अब स्क्वायर, इसके लिए माना हमने 8 mm ब्यास की छड़ प्रयोग करने पर छलों का अंतराल हो जाए, छलों का अंतराल जो हमारा फार्मूला होता है ASD इक्वल टू हो जाएगा फार्मूला यहाँ से हो जाएगा 1000 इंटू 80 अपन ASD। तो देखिए इसके लिए हो जाएगा 1000 इंटू अब 80 बराबर यहाँ से 8 mm के लिए निकालोगे तो आपका हो जाएगा क्षेत्रफल आ जाएगा, एक छेड़ के लिए 8 mm छेड़ का क्षेत्रफल हो जाता है वो 50 होता है। तो ASD बराबर हमारा है 240, तो यहाँ से आप चेंज करोगे आ जाएगा आपका 200 mm। और देखिए इसमें अभी हमें कर्तन बल की जाँच करनी है, ठीक है, कर्तन बल की जाँच करनी है और तथा हमें इसमें अभी विकास लंबाई की भी जांच करनी है, जो आप अगर अब तक पीछे आपने बहुत से क्वेश्चन लगाए जो एकदम बिल्कुल सेम होता है, एकदम कुछ भी नहीं करना होता उसमें, तो आपको स्लैब का कर देंगे जांच, मैंने पीछे अपने वीडियो में बताया जाकर वहाँ पर भी आप देख सकते हो, इसलिए नहीं करना क्योंकि वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जा रहा है। तो चलिए प्रबलन इस्पात इसमें एक बार देख लेते हैं, इसका जो हमें बताया है क्वेश्चन में किसका रेखाचित्र हमें बनाना, ठीक है। देखिए इसमें क्वेश्चन में कहते हैं हमें रेखाचित्र कीजिए, तो रेखाचित्र के लिए हमें पहले क्या करना होता है, तो हमें देखिए यहाँ से हमारा जो छठवां नंबर आता है प्रबलन इस्पात का विवरण, इसके लिए पहले देखिए हमें यहाँ से एक बना लेना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ से हमारे दो आलम हो गए, ये मान लीजिए हमारी स्लैब है, ठीक है, कोई विशेष इसमें कुछ नहीं करना होता, इसको देखिए थोड़ा सा अंदर कर लेते हैं क्योंकि इसमें सपोर्ट के लिए हमें अंदर करना पड़ता है। यहाँ से देखिए एक छड़े कुछ कर लेते हैं, कुछ छड़े हमारी नथ होती हैं क्योंकि ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम की आवश्यकता नहीं होती, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा फिगर ऐसे कुछ पॉइंट करके यहाँ पर बंद लगा देते हैं। देखिए यहाँ से इस तरह से पॉइंट कर देते हैं यहाँ पर पॉइंट, ये हमारी जो ये देखिए जो हमारी ये चीज़ें हैं, ये हमारे 12 mm 12 mm 5 की हमारी छड़ी होती है, ठीक है, यहाँ से हमारी ये मेन बार हमारी होती हैं, ठीक। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर पॉइंट करके यहाँ से जो ये छड़ी लगाते हैं, जो हमारी ये छड़ी होती हैं, ये हमारा 8 mm होती हैं, ठीक है, 8 mm का हमारा होता है
8mm का डायमीटर होता है, ठीक है। 8mm डायमीटर, ये देखिए हमारी जो वितरण छड़े होती हैं, अभी हमारी जो होती हैं प्रबलन निष्पात, जो हमारी जो मुख्य छड़े होती है। तो इस प्रकार से हम इसका बना लेते हैं। अब यहाँ से इसकी जो हमारी दूरी होती है वह 11/10 होती है। यहाँ से इसको बना देंगे फिगर के, हमारा ऊपर भी हमारा स्लैब है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप फिगर बना लीजिएगा। यहाँ से इसे दे दिया गया है 180 cc का, जो हमारी 180 है, मतलब देखिए ये यहाँ तक, इस पॉइंट तक हमारा टोटल जो इसका है वो 200 mm है। इस प्रकार से हम इसका देखिए रेखाचित्र भी बना लें। तो आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आता है तो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।